हाय गुड मॉर्निंग, कैसे आप? स्वागत है आपका एनएस न्यूज एक्सक्लूसिव में। मैं हूँ रंजिता पठारे और हाजिर हूँ आज के न्यूज इन माय प्लेट में। और न्यूज इन माय प्लेट में हम बात करेंगे कि कश्मीर में आखिर कौन थे मास्टरमाइंड जिन्होंने मिशन कश्मीर भारत को दिला दिया, जिन्होंने इतनी बड़ी अचीवमेंट भारत के लिए हासिल की। आज हम बताते हैं, ये मोदी शाह नहीं बल्कि इनके पीछे कोई और लोग हैं जिन्होंने हासिल करवाया कश्मीर, जिन्होंने धारा 370 हटाने के लिए प्लानिंग की और उनकी प्लानिंग के बदौलत ही हमें कश्मीर मिल गया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य के टुकड़े करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन की शुरुआत दरअसल जून के तीसरे हफ्ते में ही शुरू हो गई थी, जब उन्होंने 1987 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को जम्मू कश्मीर का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया था। उन्होंने पीएमओ में संयुक्त रूप से प्रधानमंत्री के साथ पहले भी काम किया है। वे मोदी के मिशन कश्मीर के मुख्य अधिकारियों में से एक थे। मिशन कश्मीर का समूचा काम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को दिया गया था, जो कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के साथ मिलकर कोर टीम के साथ कानून निहार्थ की समीक्षा कर रहे थे, जिसमें कानून और न्याय सचिव आलोक श्रीवास्तव, अतिरिक्त सचिव कानून आर एस वर्मा, अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा और कश्मीर खंड की उनकी चुनी हुई टीम शामिल थी। डोभाल और पीएम मोदी कई दौरों की बैठक करते रहे। शाह ने बजट सत्र की शुरुआत की इससे पहले राष्ट्रीय स्वयं संघ संघ के प्रमुख मोहन भागवत और उनके सहयोगी भैयाजी जोशी को अनुच्छेद 370 को हटाने और जम्मू कश्मीर को दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के केंद्र सरकार के विचार से अवगत करा दिया गया था। सुब्रमण्यम ने पूरी प्लानिंग की और जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव सुब्रमण्यम, जो प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री के साथ संपर्क में थे, उन्होंने ग्राउंड जीरो पर कई सुरक्षा के कदम उठाए। उन्होंने अर्धसैनिक पुलिस, अर्धसैनिक बलों की और प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों द्वारा सैटेलाइट फोन द्वारा प्रयोग करने संवेदनशील शहरी और ग्रामीण इलाकों में QTR मतलब क्विक रिस्पॉन्स टीम की तैनाती करने, सेना द्वारा नियंत्रण रेखा पर चौकसी बढ़ाने जैसे कदम उठाए। सेना और सुरक्षा एजेंसियों, केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, गृह मंत्रालय और राज्य के मुख्य सचिव के साथ 2400 घंटे संपर्क में थे। मतलब कि जो कश्मीर का जो 370 को हटाने का खाका शुरू हुआ था वो पहले ही हो चुका था, लगभग डेढ़ महीने पहले इसकी शुरुआत हो चुकी थी। और इसके पीछे अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी नहीं बल्कि अधिकारियों की एक टीम जुड़ी हुई थी, जो निरंतर